बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर के साथ मैं हूँ शीन कुरैशी। और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। हमास की हतमी जंग, कितने इसराइली हलाक, और गजा में कत्लेआम। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, हमास के मुजाहिदीन ने इसराइली हुकूमत की रेड जनूबी इसराइल से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी। रॉकेट हमलों और दो-बदो जंग में अब तक 900 के करीब इसराइली हलाक हो चुके हैं। हेरबिन शहर में भी हमास के कारकुन दाखिल हो चुके और इलाके में फायरिंग हो रही है और इलाका फायरिंग से गूंज रहा है। के पापों का घड़ा भरा तो मुजाहिदीन के लिए नुसरत इलाही मौजज़न हो गई। तूफानुल अक्सा ने मशरिक़े वुस्ता का नक्शा बदल डाला। हमास के रॉकेट हमलों का सिलसिला तवील हो गया। 3 रोज से जारी जंग में जनूबी इसराइल पर से गाज़िब हुकूमत का कब्जा खत्म हो चुका है। इसराइली बदहवासी का शिकार है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। फौज के कई बड़े अफसरान जंगी कैदी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइलियों की हलाकत सैकड़ों से हजारों में पहुँचने का खतरा है। हेब्रोन शहर में हमास के सरफरोश दाखिल हो चुके हैं। गलियों में दू बदू जंग जारी है। इलाका फायरिंग से गूंज रहा है। अस्कलान और कई अहम शहर हमास के मुकम्मल कंट्रोल में है। इसराइली फौज के तमाम तर मजालिम और सफाकियत के मुजाहरे फलस्तीनी फिदायन के हौसले पस्त न कर सके। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइल में रॉकेट हमलों ने दिफाई सिस्टम आयरन डोम को मुकम्मल बेअसर कर दिया है। मुजाहिदीन की पेश कदमी के बाइस इसराइली हुकूमत पर 2 रियासती हल के लिए दबाव बहुत बढ़ चुका है। गजा में इसराइली फजाई हमलों में 85 बच्चों, 140 खवातीन समेत 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने फौज को कत्लेआम का परवाना थमा दिया है। अपने खिताब में नेतन्याहू का कहना था कि तमाम आलमी बरादरी गजा को आग और खून में नहलाने के लिए इसराइल के साथ है। जल्द ही गजा को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसराइल ने हमास से बदतरीन शिकस्त का दाग निहत्ते फलस्तीनियों के खून से धोने का फैसला कर लिया। मशरिक़े वुस्ता के ड्रैग कोला नेतन्याहू ने फौज को फलस्तीनियों के कत्ल का परवाना थमा दिया। हमास के हमलों के बाद से गजा में इसराइली फिजाई हमलों की तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। गजा का हर घर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रहा है। शहर की कोई गली और मोहल्ला सलामत नहीं है। इसराइली बमबारी के बाइस औरतों और बच्चों की शहादतें सबसे ज्यादा है। इसराइली फौज जान बुझकर रिहायशी इमारतों और अस्पतालों को फलस्तीनी वजारत सेहत ने गजा की हालत को तश्वीशनाक करार दे दिया है। आलमी बरादरी की खामोशी और बेहिसी के बाइस इसराइल के लिए आलमी कवानीन की अहमियत खत्म हो चुकी है। इसराइली वजीर आजम गजा के शहरियों को शहर खाली करने का अल्टीमेटम दिए जा रहा है। गजा के शहरियों ने अल्टीमेटम को हवा में उड़ा दिया है। शहादतुल अक्सा के नारे गजा में हर तरफ। मशरिक़े वुस्ता की जंग दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, रूस ने खबरदार कर दिया। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अहम बैठक में फलस्तीन इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक मशरिक़े वुस्ता में पायदार अमन का रास्ता 2 रियासती हल में है। इसराइली और फलस्तीनी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। गजा और इसराइल में हलाकतों पर भी तशवीश है। अमरीका ने हमास की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदी का मुतालबा किया। चीन ने फरीकैन से फौरी जंग बंदी की अपील की। अक़वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया कि मसला फलस्तीन के हल के लिए संजीदा कोशिशें की जाएँ। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदा सूरत हाल है। अमरीका इसराइल की मदद के लिए मैदान में उतर आया है। अमरीका ने जंगी बहरी बेड़ा इसराइल भेज दिया है। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि USS जेराल्ड इसराइल जा रहा है। 6 जहाज़ों में गाइडेड मिजाइल स्टार मिजाइल क्रूज शामिल है। पेंटागन के मुताबिक अमरीका मशरिक़े वुस्ता में मौजूद जंगी तैयारों के तादाद बढ़ा रहा है। हमास ने रद्द अमल में कहा है कि अमरीकी बहरी बेड़े हमें खौफजदा नहीं कर सकते। अमरीका को इस इकदाम के नतायज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल पर हमलों पर बातचीत के लिए सीनियर मुशीरों से मुलाकात की। अपने ट्वीट में लिखा है, इसराइल के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और यरग़मालियों की रिहाई के लिए वसाइल की मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। इसराइलियों पर हमलों पर बातचीत के लिए आपको बताएं कि मदद फराहम करने का फैसला किया गया है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की सीनियर मुशीरों से मुलाकात में गुफ्तगू की गई। दुनिया ने इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर आंखें मूंद ली हैं।
हमास की मज़ाहमती कार्रवाई पर चीख उठी है, जबकि अमरीकी सदर ने इसराइल के लिए हर मुमकिन मदद का ऐलान कर दिया है। फ्रांस ने भी ऑपरेशन तूफान अलक्सा की मजम्मत और इसराइल के साथ इजहार यकजहती किया है, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल को अपने दफा का भरपूर हक हासिल है। स्पेन ने भी काबिज इसराइल को सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए तआवुन की यकीन दहानी करवा दी है। यूक्रेन ने भी सहूनी रियासत इसराइल की हमायत की है। जर्मनी ने भी इसराइल के हक में बयान दिया है, कहा कि इसराइल को हमास के हमलों का जवाब देना चाहिए। इटली के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर इसराइली परचम रोशन किया गया, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भी इसराइल के साथ यकजहती का इजहार किया। इसराइल के रुकन पार्लियामेंट ओफर कैसफ ने इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को इसराइली हमलों पर जिम्मेदार करार दिया। कहा फाशिस्ट इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हिमायत करती है और नस्ल कुशी के लिए काम कर रही है। रुकन असेंबली का कहना था उन्होंने फ़लस्तीनी सरजमीन पर मुसलसल गैर कानूनी कब्ज़ों और फ़लस्तीनियों से रवा सलूक पर बिन्यामिन हुकूमत को ऐसे हमलों के लिए खबरदार कर दिया था। मौजूदा इसराइली हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है। इसराइली रुकन असेंबली का कहना था बारहा हुकूमत को कहा था कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर कब्ज़ा ख़त्म ना किया तो उसका ख़तरनाक रद्दअमल आएगा। गजा पट्टी के करीब इसराइली फौजी कैंप पर हमास का कब्जा, वीडियो जारी कर दी गई है। मुजाहिद मिलिट्री बेस में दाखिल हुए फायरिंग और बमबारी की, बेस इसराइल का झंडा भी उतारा दिया और हमास ने जवारी ड्रोन से इसराइल को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी है। हिजबुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो गई। फलस्तीनी इलाकों पर दहाइयों से काबिज इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनी एक और महाज खोल लिया। सहूनी फौज की जानब से लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी की गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। मुसलमान ममालिक में हमास की हमायत बढ़ गई है। तुर्की, ईरान, यमन समेत इराक में हजारों शहरी सड़कों पर आ गए हैं। फलस्तीनी मुजाहिदीन की कामयाबी का जश्न मनाया, गजा के महसरीन से इजहार यकजहती किया और कई ममालिक में शहरियों ने फौजी फलस्तीनी भेजने का भी मुतालबा कर दिया। हमास की कार्रवाई ने मुस्लिम उम्मा को बेदार कर दिया। तुर्किया, ईरान, यमन, कुवैत में हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। अंकरा में फौज बैतुल मकदस भेजो के नारे लगना शुरू हो गए। तेहरान, मशहद, असफहान समेत ईरानी शहरों में हमास की कामयाबी का जश्न मनाया गया। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद यहूदियों फलस्तीन छोड़ दो का नारा लगाते सड़कों पर आ गए। कुवैत शहर में इसराइल मुर्दाबाद, हमास के शहदा को सलाम के नारे गूंजने लगे। इराक में भी हर शहरी फलस्तीनी मुजाहिदीन को दाद दे रहा है। मुसलमान ममालिक की हुकूमतों पर हमास की हिमायत के लिए दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अफ्रीकी ममालिक मोरतानिया में भी क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए रैली निकाली गयी। यूरोप, अमेरिका और कई दीगर ममालिक में भी लाखों मुसलमानों ने गजा के मुजाहिदीन से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। इसराइली काबिज अफवाज के फलस्तीनियों पर ज़ालिम जबर और तशद्दुद फौरी बंद करने का मुतालबा। निगरा वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने ट्वीट में कहा पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। अक़वामे मुत्तहिदा के क़रारदादों के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर काबिले अमल और खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। आलमी बरदारी मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए किरदार अदा करें। आगे बढ़े, आपको बताएं जंग में इसराइली बच्चों और ख्वातीन का ख्याल रखें, इंसानी हकूक का एहतराम करें। JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का बयान, जुमे को फलस्तीन के हक में यौम यकजहती मनाने का ऐलान। कहा हमास का इसराइल पर हमला तारीखी कामयाबी है और दुनिया समझ रही है कि मसला फलस्तीन दफन हो चुका है। हमास ने साबित किया कि मसला फलस्तीन दफन नहीं हुआ है, उसकी अहमियत आसमानों को छू रही है। हमले ने इसराइल के दिफाई निज़ाम और घमंड को ज़मीन बोस कर दिया। मुजाहिदीन ने इसराइल पर जो हमला किया है ये हमला तारीखी कामयाबी है। मैं उसको एक तारीखी मारका से ताबीर करता हूँ। जिन इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है ये उनके अपने इलाके हैं और अपने इलाके उन्होंने वापस लिए हैं। फ़िलिस्तीन के आवाम को और फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मारके ने फ़िलिस्तीन के मसले को ज़िंदा ही नहीं किया, साबित किया है कि फ़िलिस्तीन का मसला मरा नहीं और आज उसकी अहमियत आसमानों को छू रही है। इस हमले में इसराइल के पूरे दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया गया है, घमंड को ज़मीन बोस कर दिया गया है, उनकी इंटेलिजेंस को नाकाम बना दिया है। मुल्क भिकारी बन गया, बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा होता है तो नवाज शरीफ याद आता है। मरीम नवाज का जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ मुल्क को ठीक करके दिखाता है।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि आवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। लंदन में वफद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम वोट की ताकत से उनके मैंडेट के खिलाफ जाने वालों का एहतसाब करेंगे, जबकि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म किया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान को माशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग के इतिहाद में दरारें पड़ने लगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से सिंध में टक्कर का मुकाबला होगा। सबको बताएंगे कि नवाज शरीफ सिर्फ एक सूबे का लीडर नहीं है। हम मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, टक्कर का मुकाबला करेंगे, उनको बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है सिर्फ पंजाब का लीडर नहीं है, सिर्फ केपीके का लीडर नहीं है, बलोचिस्तान का लीडर नहीं है, सिंध में उसकी उतनी सपोर्ट है जितनी उसकी पंजाब में सपोर्ट है। शहबाज शरीफ साहब कराची और सिंध वालों से ये वादा करें कि अगर उन्होंने वोट दिया मुस्लिम लीग नवाज को, कराची को लाहौर की तरह बना देंगे। वो कह सकते हैं बिलावल भुट्टो को हम कहेंगे कि आप लाहौर जाएं और यही चीज बोलें कि आप वोट दो लाहौरियों, मैं बनाऊंगा लाहौर को कराची की तरह। मुल्क में रोटी सबसे ज्यादा मौत सस्ती है, जबकि आवाम अब इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। जमात इस्लामी इसके खिलाफ खड़ी हुई है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने के दौरान सिराजुल हक बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जुल्म नहीं किया जो आईपीपीज मुआहिदे करने वाले लोगों ने किया है। मौत सस्ती है और रोटी महंगी है, मैं इस जुल्म के खिलाफ मैदान में खड़ा हूँ। ये जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मेरे मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया था। जो जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है आईपीपीस के मुआहदे करके, मेरा ऐलान यही है कि अब ये कंपनी ऐसी नहीं चलेगी, पाकिस्तान ऐसा नहीं चलेगा। अब हम बेदार हो गए हैं, जुल्म बर्दाश्त करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। हम इन मुआहदों को खत्म करना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये मुआहदे किए हैं उनको जेलों में डालना चाहिए। दोबारा प्रोग्राम देंगे और अगली बार हमारी मर्जी होगी कि गवर्नर हाउस से बाहर हम धरना देते हैं या गवर्नर के हाउस के अंदर हम धरना देते हैं। आपकी बारी खत्म, अब आवाम की बारी शुरू हो रही है। निगरान वज़ीर इत्तला'आत बलोचिस्तान जाना शख्सई ने एएनपी रहनुमा एमल वली के बयान की मज़म्मत कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उर्दू बोलने वाले इस मुल्क का अहम जुज़ है। सबसे पहले तो मैं खुल के एएनपी के सरबराह के उस बयान की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने गैर मुल्की तारिकीन वतन के इस पूरे इशू को जो है वो कराची में हमारे खास कम्युनिटी के, हमारे भाइयों के साथ जोड़ा। पाकिस्तान की शहरग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जिंदगी के हर शोबे में उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको तारिकीन वतन से मिलाना काबिल मजम्मत है। स्टेट के लेवल पे ये पॉलिसी है जिसको हम कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं और कभी भी हम किसी भी फोर्स को ये इजाजत नहीं देंगे कि तारिकीन वतन के नाम पे पाकिस्तान के अंदर एथनिक बुनियादों पे नफरत फैलाई जाए और इस तरह की मजमूम कोशिश से अपने सियासी खद उखाड़ और वोट को बढ़ाने की नाकाम कोशिश की जाए। ये तय है कि तारिकीन वतन का जाना ये हमारी एक रियासती पॉलिसी है और उस पर कोई भी प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं किया। आगे बढ़े, आपको बताएं हिजरत हमने भी की लेकिन हिजरत के वक्त हीरोइन क्लाशनकोव साथ नहीं लाए थे, एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया।
हिंदुस्तान को तोड़ के आए थे, हिजरत करके आए तो अपने साथ हीरोइन लेके नहीं आए थे, कलाशनकोफ लेके नहीं आए थे, मजहब के नाम पे दहशतगर्दी लेके नहीं आए थे। हम 20 लाख जानों की कुर्बानी दे के आए थे। हमने यहाँ पे मस्जिदें तामीर की हैं, मस्जिदों में बम धमाके नहीं किए। ये शनाख्त इस मुल्क को हमने दी है, आप हमसे ये शनाख्ती कार्ड छीन कर हमारी शनाख्त मिटानी। सुप्रीम कोर्ट आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और दीगर दरख्वास्त गुजार दलाइल देंगे। मुस्लिम लीग नून, काफ लीग और दीगर सियासी जमातों के वकला भी अपने दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान दलाइल में हुकूमत मौकफ पेश करेंगे। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई 1 नवंबर से शुरू होगी। फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं है। शिनाख्ती दस्तावेजात और इजाजत नामे के बगैर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ डेड लाइन के बाद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। मुल्क से आम दुश्मनों के खात्मे का अज़म। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। रस्मक में दहशतगर्दों से झड़प के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्ला उर्फ काजी मारा गया। हथियार बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस था। इलाका मकीनों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा। कराची से खबर देंगे जहां पर स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें अफरियत बन गई हैं। अब नूरानी शाह के मज़ार पर जाने वाले जायरीन की 4 पोस्टर को लूट लिया गया है। डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो रोकी ही नहीं गई है, जबकि औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से 11 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातें किसी भी तरह थमने का नाम ही नहीं ले रही। रवां साल अब तक 70,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची से अब नौरानी शाह सरकार के मजार पर जाने वाली जायरीन की 4 कोस्टर्स को लूट लिया गया। मुसलह डाकुओं ने हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिरों को जरगमाल बनाया और लूटमार शुरू की। डकैतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो दरकिनार। सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस अब तक हदूद का तयन भी नहीं कर सकी। मुतासरीन का कहना है की इनसे 120 से ज्यादा मोबाइल फोन, लाखों रुपए नकद और दीगर कीमती सामान लूट ली। न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद फरार होने वाले डाकू को पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानेब FIA ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया जो जाली पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर एक और कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में गाड़ी की टक्कर से 11 साल बच्चा मुजम्मिल जान से गया, जिसकी लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया जो गाड़ी में सवार थे। अफगानिस्तान में 6.3 की शिदत के जलजले ने तबाही फैला दी। हर रात में अब तक मरने वालों की तादाद 2000 से तजावज कर चुकी। 1000 अफराद जख्मी। आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी। हर रात के 12 देहातों में 600 से ज्यादा घर तबाह। 4200 अफराद मुतासर। अफगानिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मलबे तले दबे मजीद अफराद के अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। अफगानिस्तान के सूबे हर रात में हफ्ते के रोज शदीद जलजला आया। अब तक मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जलजले की शिदत 6.3 रिकॉर्ड की गई, जिससे वसी पैमाने पर तबाही फैली। बाद गैस और फराह सूबे में भी आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। अफगान हुकाम के मुताबिक जलजले के 2000 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। हर रात के 12 देहातों में 600 से ज्यादा घर तबाह और 4200 अफराद मुतासर हुए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मलबे तले दबे अफराद की अमवात का खदशा जाहिर किया है। जलजले का मरकज हर रात से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब की तरफ था। अब तक 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। और अब खेलों के मैदान से कुछ खबर शामिल करेंगे, जहां पर विराट कोहली और KL राहुल की जिम्मेदारान बैटिंग की बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद विराट कोहली और KL राहुल ने मैच में टीम की डूबती नैया मुश्किल से निकाली है। आपको इस सवाल से आगाह करें हैं कि साबिक कप्तान विराट कोहली ने 85 और KL राहुल ने नाकाबले शिकस्त 97 रन बनाकर टीम को अहम मैच में कामयाबी दिला दी है। और इससे पहले भारतीय बॉलर्स के सामने अपनी बारी पर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स खुलकर ना खेल सके, जबकि कैंगरूज की पूरी टीम आखिरी ओवर में 199 रन पर ही ढेर हो गई है। इसके अलावा डेविड वार्नर 41 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शानदार फतह के बावजूद भारतीय क्रिकेट शायकीन ने अपने कप्तान रोहित शर्मा को ना बख्शा। अहम मैच में 0 पर आउट होने के जुर्म में उन पर तंज के तीर बरसा दिए। ऐसे ऐसे जहरीले तबसरे किए गए कि भारतीय कप्तान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में भी शामिल हो गए। भारतीय क्रिकेट फैंस ने रोहित शर्मा को
इस हवाले से पिछाड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में सिफर पर आउट होना रोहित शर्मा का नाकाबले माफी जुर्म बन गया। मैच भारत के जीत लेने के बावजूद भारतीयों के दिल में लगी आग ठंडी ना हो सकी। अपने कप्तान को क्रिकेट वर्ल्ड में तमाशा बना दिया। एक क्रिकेट फैन ने रोहित शर्मा की आज के मैच में कारकर्दगी की मंजरकशी कुछ यूं की। एक और मद्दाह ने भारतीय कप्तान को बड़ बोला करार देते हुए उनका मजाक कुछ ऐसे उड़ा। एक सपोर्टर ने रोहित शर्मा को जोकर से तशबीह दे दी। एक भारतीय के नजदीक उनके कप्तान किसी काम के नहीं, उनका होना ना होना बराबर है। एक क्रिकेट फैन के मुताबिक रोहित शर्मा से उम्मीद लगाना ही फजूल है। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप का अहम मैच कल होगा। मैच में फताह ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले बड़े मार्के के लिए बेहद जरूरी इत्मीनान देगी। आइलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारी को फाइनल टच देने के लिए शाहीन आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। नेदरलैंड के खिलाफ मैच जैसे तैसे जीता, बड़ा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर ना सजा सके। बल्लेबाजों की अक्सरियत के फ्लॉप शो ने टीम थिंक टैंक के लिए खतरे का सायरन बजा दिया। अलार्मिंग सिचुएशन होने की वजह से मैनेजमेंट ने बैटर्स की कारकर्दगी में बेहतरी को फोकस कर लिया। आज होने वाले नेट सेशन में बतौर खास बल्लेबाज टीम इंतजामिया की रडार की जद में होंगे। टीम की कारकर्दगी में तसलसल न होना भी गिरे एरिया करार। स्ट्राइक बॉलर्स को हरीफ टीम की इनिंग्स की इब्तदा में ही बैटिंग लाइन में शगाफ डालने के फन में ताक करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ फील्डिंग ड्रिल्स और फिटनेस पर भी काम किया जाएगा। आइलैंडर्स से मुतालिक मैच प्लान को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी आज होने वाले तरबियती मशक का हिस्सा होंगे। सलमान आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज्यादा वक्त भी दिया जाएगा। प्रैक्टिस के बाद टीम मीटिंग भी होगी, जिसमें कप्तान बाबर आजम और टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर प्लेयर्स को शानदार कारकर्दगी के लिए उभारेंगे। वर्ल्ड कप का इनेकाद भारत के लिए एक चैलेंज बन गया है। मेगा इवेंट की इंतजामी कमेटी और PCCI जिल्लत और रसवाई के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चेन्नई में होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में तमाशाई के मैदान में दाखिले ने सिक्योरिटी इंतजाम को कली खोल दी कर रख दी है। और इसके बाद न्यूजीलैंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोड शेडिंग ने मेज़बान मुल्क के लिए मजीद शर्मसारी का सामान किया है। इसके साथ ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के इख्तिताम पर भी बिजली चली गई, जिसने ऑर्गेनाइजर्स की मुश्किल मजीद बढ़ा दी। इंडिया में जारी वन डे वर्ल्ड कप में तमाम टीमों ने एक एक मैच खेल लिया। अपने इब्तदाई मैचेस में शिकस्त खाने वाली ऑस्ट्रेलियन, अफगान, नीदरलैंड, श्रीलंकन, इंग्लैंड की टीम का कोई पॉइंट नहीं। अपने मैचेस की फातह पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडियन टीम के दो दो पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से कीवीज पहले, प्रोटीज दूसरे, ग्रीन शर्ट्स तीसरे, बंगाल टाइगर्स चौथे, भारतीय सुरमा पाँचवें पोजिशन पर हैं, ऑस्ट्रेलिया छठे, अफगानिस्तान सातवें, नीदरलैंड आठवें, श्रीलंका और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड दसवें और आखिरी नंबर पर है। और अब आपको बताएं, सऊदी अरब में स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान की सकाफत से भरपूर सोहनी धरती के अनवान से रंगारंग प्रोग्राम सजाया। तलबा और तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में टैबलो पेश करके वतन से मोहब्बत के जज्बे को उजागर किया। मकामी गुलकारों ने मिली नगमे गाकर समा बांध दिया। करोड़ों की लॉटरी ने जराइम की कड़ी खोल के रख दी। जुर्म का अख्तिताम किस कदर अजियतनाक होगा। हॉलीवुड फिल्म योर लकी डे का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।